कुमार, आप देख रहे हैं शिक्षा संस्थान यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप सेकेंड ईयर की रजिस्ट्रेशन फीस कैसे आप पे करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आप कोई गलती ना करें जिससे आपको पछताना पड़े, क्योंकि आपने देखे होंगे कि लास्ट टाइम में बहुत सारे ऐसे चेक हैं जिनका दो दो बार पेमेंट उनका अकाउंट से कट गया और उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताऊंगा, आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि एनएस का वेबसाइट पे आइएगा, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे एक लिंक दिया गया है जो आप यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो फर्स्ट ईयर में रजिस्टर किए हैं वही आप यहाँ पे सेकेंड ईयर में कर सकते हैं, ऐसा कि नया टीचर यहाँ पे आप कोई अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप इस लिंक को क्लिक कीजिएगा तो आप इस पेज पे आ जाइएगा। यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे देखिए कुछ नोटिस है नीचे जो इम्पोर्टेंट है, आप उसे एक बार अवश्य पढ़ लें। यहाँ पे लिखा है प्रोसेस फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ सेकेंड ईयर रजिस्ट्रेशन फी काइंडली रेट बिफोर। तो इन्होंने बता रहे हैं कि आप प्रोसेस करने से अपना फी प्रोसेस करने से पेमेंट करने से पहले आप एक बार पढ़ लें। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस है, आप यहाँ पे लिखा हुआ इफ द पेमेंट इज डेबिटेड फ्रॉम द अकाउंट एंड स्टेटस हैज नॉट चेंजेड फॉर पेमेंट नॉट मोर टू पेमेंट कंप्लीट काइंडली डू नॉट मेक अनदर पेमेंट बट जस्ट वेट फॉर वन आवर द पेमेंट विल बी अपडेटेड एंड यू कैन चेक द स्टेटस बाय प्रोवाइडिंग द एनरोलमेंट। इन्होंने बता रहे हैं कि अगर आप पेमेंट आपका अकाउंट से कट गया एक बार और आपका स्टेटस वहाँ आपको दिखा रहा है कि पेमेंट नॉट मोर, तो आप दोबारा कोशिश ना करें पेमेंट करने के लिए, आप कुछ देर वेट करें। इन्होंने बोल रहे हैं वन आवर वेट करने के लिए, मैं कहूँगा आप 12 आवर वेट कीजिए, आपका जो स्टेटस है नॉट मोर का वो कम्प्लीट अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद आप अपने एनरोलमेंट नंबर से फिर से आप अपना एनरोलमेंट डालिएगा तो आपको पूरा स्टेटस आपका स्टेटस दिखाएगा कि आपका नॉट मोर में है कि वो कम्प्लीट हो गया। अगर आपका कम्प्लीट लिखाएगा तो आपका लिखाएगा पेमेंट कम्प्लीट, और अगर नहीं लिखाएगा नहीं हो पेमेंट कम्प्लीट हुआ तो आपको लिखाएगा पेमेंट नॉट मोर। तो आप कुछ देर वेट जरूर कीजिएगा, ऐसा नहीं कि एक बार आपको पेमेंट नॉट मोर लिखा रहा है तो आप अगेन दोबारा पेमेंट कर दें, जिससे आपको दो दो बार पेमेंट कट जाएगा। तो इस बात को जिससे ध्यान रखें। तो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर डालिएगा, उसका सबमिट कीजिएगा तो आपको इस पेज पे ले आएगा, पूरा स्टेटस यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने के लिए जब आप एनरोल नंबर एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो एनरोल नंबर है यहाँ पे आपको दिखाएगा, यहाँ पे जो आपका नाम है वो दिखाएगा, यहाँ पे आपका फादर का नाम दिखाएगा, और यहाँ आपका जो आपका यहाँ जो परसेंटेज है वो यहाँ पे दिखाएगा, आपका जो कैटेगरी है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। अगर आप यहाँ से आप वापस चला जाते हैं, आप पेमेंट नहीं करते हैं, तो आपको यहाँ पे एक और स्टेटस यहाँ पे दिख जाएगा बैंक का, और यहाँ पे लिखाएगा पेमेंट नॉट मोर। तो आप घबराइए नहीं, आप जब पेमेंट कीजिएगा तो आपको ये जो यहाँ पे दिखाएगा कि आपका पेमेंट कम्प्लीट हो गया, जब आप बैंक जाएंगे तो आपको यह दिखाएगा। तो आगे बढ़िए, तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आप उसके बाद आपको यहाँ पे मैक पेमेंट पे क्लिक करना है। जो ही आप मैक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का दूसरा पेज खुलेगा जो कि यहाँ पे सर्वर 1 है और सर्वर 2 है, मतलब आप दो सर्वर से आप पेमेंट कर सकते हैं। पहला सर्वर में है आईसीआई डेबिट कार्ड, और जो भी आपका नेट बैंकिंग है उससे आप पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड है उससे भी पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा सर्वर है जो आपको यूबीआई का है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग। तो आप दो सर्वर है, दो में किसी एक से आप पेमेंट कर सकते हैं। मैं सबसे पहले सर्वर 2 में जाता हूँ और आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या करना है। तो फिर मैक पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा, ओपन हो जाएगा इस प्रकार का, मतलब आप किस मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं आप यहाँ पे चूज करें। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है वीजा कार्ड मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड, अगर आप इससे पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए फीस आपको 6000, उसके बाद बैंक चार्ज 60 रुपए और जीएसटी 8 रुपए 70 पैसा, टोटल आपको 6068 रुपए 70 पैसा आपको पेमेंट कट जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो भी वीजा कार्ड मास्टर कार्ड है यहाँ पे, अगर उससे आप पेमेंट करते हैं तो आपको 60-68 रुपए आपको एक्स्ट्रा आपको चुकाना पड़ जाएगा। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं आप अगर, तो यहाँ पे आप सारा बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। अगर आप यही नेट बैंकिंग से करते हैं, आप देखिए यहाँ पे आप नेट बैंकिंग की यूज कीजिएगा तो आपको पेमेंट सिर्फ 6011 रुपए कटेगा, क्योंकि बैंक चार्जेस है जो 10 रुपए और जीएसटी आपको सिर्फ 1 रुपया 45 पैसा लगेगा। तो टोटल 11 रुपया एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे ऐड हो रहा है अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं। तो नेट बैंकिंग में इतना सारा बैंक है, किसी भी बैंक से आप सारा बैंक है इसमें आप चूज करके अपना पेमेंट कर सकते हैं। आप इस पे सिर्फ अगर आप पे यूजिंग नेट बैंकिंग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से करते हैं तो इसमें आपको 1 रुपया भी एक्स्ट्रा चुकाना नहीं पड़ेगा, टोटल फ्री है, सिर्फ आपको 6030 आपको देना है।
तो यह अपने हिसाब से आप चूज करें, आपके पास कौन सा साधन है वो हिसाब से आप पेमेंट करें। तो हम आगे बढ़ते हैं, मैं कोई एक सिलेक्ट करता हूँ, चलिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और HDFC से मैक एक पेमेंट। जैसे आप मैक पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए इस प्रकार आपका ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे अपना बैंक चूज कर सकते हैं, जिसे आप HDFC से या ICICI से या एक्सिस बैंक या कोटक या IDBI से किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने HDFC चुना तो इतना सारा आपको ऑप्शन है। जैसे मैं अगर HDFC करना चाहता हूँ, HDFC सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको दूसरा एक पेज ओपन होगा। तो देखें आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए आपको रीडायरेक्ट कर दिया आपका बैंक का। तो आप अपना बैंक में जिस बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हैं उसपे आपको ले जाएगा। वहां से आप अपना यूजर पासवर्ड डाल के लॉगिन होना है और अपना पेमेंट करना है। तो इस प्रकार आपको पेमेंट करना है। आपको एक बार ध्यान रखना है कि पेमेंट करने वक्त आप रिफ्रेश बिल्कुल ना करें। इसी प्रकार आप जिस बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन एक बात आपको इसे ध्यान रखना है कि आप जब पेमेंट करिएगा लास्ट टाइम तो उस वक्त आप अपने जो कंप्यूटर पे, अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हैं या मोबाइल से कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल रिफ्रेश ना करें उस टाइम पे। क्योंकि अगर आप उस टाइम रिफ्रेश करते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, पेमेंट कट जाएगा पर वहाँ अपडेट नहीं होगा। इसलिए आप जरूर वेट कीजिएगा, जब पेमेंट कीजिएगा लास्ट में तो आप वेट कीजिएगा, कोई भी पेज आप रिफ्रेश मत कीजिएगा, ये विशेष ध्यान रखिएगा। क्योंकि अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि जब लास्ट में आप पेमेंट कीजिएगा तो उस टाइम देखिए थोड़ा टाइम लेता है वो स्टेटस अपडेट होने में, तो उस वक्त बिल्कुल ही रिफ्रेश ना करें जब तक आपका कंप्लीट ना हो जाए। जब कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस तो आपको मैसेज आएगा कि आपका पेमेंट सक्सेस हो गया है। तो आप अपना एक स्क्रीन शॉट निकाल लें मोबाइल से या तो अपने कंप्यूटर से निकाल के रख लें ताकि आपको प्रूफ हो। तो इसी प्रकार आपको अपना पेमेंट करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अवश्य करें, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर अपडेट आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।